अस्सलामुअलैकुम। सो अभी वक्त है भाई फजर का, और फजर में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा है और सब जा चुके हैं भाई नीचे। सबा और मैं भाई बिल्कुल रेडी हो गए और हम लोग भी जा रहे हैं नीचे। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो बनाते हैं भाई, वो बनाते हैं फजर का, और फजर में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब आपसे शेयर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि यार मैं यूजुअली नहीं बनाता फजर में व्लॉग, मतलब दो व्लॉग से तो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि यार होता ये है कि ना जब मैं सो के उठता हूँ ना तो मुझसे व्लॉग नहीं बनता। आज मैं सोया ही नहीं कि मैंने व्लॉग बनाना है, और व्लॉग में क्योंकि एनर्जी लानी है, माइंड फ्रेश हो आपका उस तरह से ना कि प्रिपेयर्ड हो आप पहले से कि आपको व्लॉग बनाना है ना। सो के उठो ना, लेजीनेस से होती है, और वजू करके डायरेक्ट फटाफट जाके नमाज पढ़ के डायरेक्ट आके डायरेक्ट सोता था मैं। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि आज व्लॉग बनाएंगे। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। टाइम नहीं है, पापा लोग जा चुके हैं, आ जाओ। अच्छा ये लॉक नहीं करना, ठीक। चप्पल 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 तो यहाँ से ले ली थी भाई हमने, न्यू चप्पल। सबा ने पहना है भाई ग्रीन स्कार्फ, सबा ने बोला आप भी नहीं इतना मैचिंग कर लो, मैंने पहनी ग्रीन शर्ट। तो कार्ड है, कार्ड उठाया आपने? पापा का सोया। ओके अभी देखना खुद खुलेगी लाइट। भूत है भूत। उई यार ये वो आ गई। जल्दी 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 जल्दी। अरे फजर में आए वो भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फजर में आया मिलने भाई, थैंक यू सो मच। अरे पापा लोग भाग गए। ये रहे। इतनी रात को माशाल्लाह मिलने आए हुए लोग। यार काफी देर से बैठे हैं फजर। हाँ? उनको पता नमाज के लिए उतरूंगा, नमाज के लिए मैं उतरूंगा, पता था। कितना सुकून का हो रहा है इस टाइम पे फजर के टाइम। हाँ सारी दुकानें बंद है, शोर नहीं हो रहा, मजे से जा रहे हैं सारे। अच्छा गाड़ियों का रश भी नहीं है। सही फैसला था कि यार फजर की थोड़ी सी भी ना दिखाएं लाइफ, अच्छा फैसला है। मैंने दो दिन से तो मैं बना ही नहीं था फजर का, आज मैंने सोचा था तो मैं बना ही रहा हूँ। अभी सारी छतरियाँ ना क्लोज हैं, अभी जब ये फजर हो जाएगी उसके बाद जब मॉर्निंग हो रही होगी ना तो दो तरफ जो स्काई होता है ना दोनों तरफ कि दोनों अलग अलग कलर का होता है। इसमें जब मैं पिछली बार जब 3 साल पहले आया था तो यहाँ पर मैंने पिक्चर ली थी उफ और स्टोरी बनाई थी, लेकिन आज व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह और दिखाएंगे क्या क्या ब्यूटीफुल मंजर होता है वो। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं अभी नमाज की तरफ। पापा जो है भाई वजू कर रहे हैं, मैंने वजू जो ऊपर कर लिया था, पापा को काफी टाइम हो गया होगा वजू किए हुए, तो पापा ने बोला कि मैं वजू करता हूँ यहाँ पर, जब तक रुको तो आप वजू कर लेंगे फिर चलेंगे अंदर। सब तो भाई जा रहे हैं भाई वापसी नमाज पढ़ते साथ ही, लेकिन हम जा रहे हैं भाई बाबू सलाम। तो चलते हैं भाई, देखते हैं हमारे साथ साथ कौन कौन जाता है, गेट खुला हुआ मिलता है या नहीं मिलता। खुला हुआ हो तो मजा ही आ जाए। राहुल जी ने बंद किया भाई, उन्होंने नहीं खुला हुआ, लेकिन वो सिर्फ वो जो ऐप है ना कि डाउनलोड करनी पड़ेगी उसके थ्रू जाने दे रहे हैं लोग। और वो पता है क्या सीन है उसका कि महीने में एक बार जा सकते हो, महीने में एक बार सिर्फ, और वो उस पर टाइम लिखा हुआ था आपने खुद सेलेक्ट करना होता है, और अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे तो पता है फिर क्या होगा, फिर आपका कैंसिल वो एक महीने वाला भी। हाँ मतलब इतनी पाबंदी की हुई है इन्होंने रियादुल जन्ना में। अच्छा वो आगे से घूम कर आना पड़ेगा। ओ तो सारे जा रहे हैं माशाल्लाह, मैं समझा सारे अपने ना होटल उटल जा रहे होंगे, सीधा जा रहे थे। पिछली बार तो हम डायरेक्ट उधर से ही मुड़ गए थे, अभी इतना घुमा के आगे से फिर लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह क्लियर दिख रहा है आज। ये सारा बंद किया हुआ है कि लोग इतना घूम कर आए फिर गेट के अंदर जाएं। ऑलमोस्ट लोगों ने चप्पल पहन ली है, लेकिन हम लोगों ने अभी भी हाथ में पकड़ी है। अब आ गया टाइम अंदर जाने का, और आ चुके हैं बिल्कुल क्लोज। Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. सलाम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये जो उस साइड पे था ना बिल्कुल क्लोज साइड पे, वो रियाजुल जन्ना की तरफ से आ रहे थे, बाकी जो गेट से इंटर हुए थे ना वो काफ़ी दूर थे, तो हमें तो जालियाँ ही दिखी हैं। लेकिन जब पिछली बार आए थे तो मैंने बहुत कोशिश की थी, वो जो हल्का सा वो नहीं दिया गैप दिया हल्का सा उसमें से दिख जाती कब्र मुबारक, लेकिन आज नहीं दिखी। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह